हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को लर्न करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, और आप वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को आसानी से लर्न कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सिंपल नोट्स हेयर। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर बेसिस होगा डिफरेंस का, और ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर होगा मैनेजमेंट। फर्स्ट देखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिस्टिंक्शन लेवल। यार एडमिनिस्ट्रेशन होता है टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन होता है टॉप लेवल अथॉरिटी, मैनेजमेंट होता है मिडिल और लोअर लेवल अथॉरिटी। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड, नेचर ऑफ फंक्शन। यार एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन होता है, सॉरी, डिटरमिनेटिव फंक्शन होता है, मीन्स थिंकिंग फंक्शन, और मैनेजमेंट का होता है एग्जीक्यूटिव, मीन्स डूइंग फंक्शन। नंबर थर्ड, स्कोप ऑफ फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का होता है स्कोप ऑफ फंक्शन फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, कॉन्सेप्चुअल, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना। मैनेजमेंट का होता है स्कोप ऑफ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स जो भी पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मुलेट किए उनको इम्प्लीमेंट करना, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ बेसिस, यर इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन। यर मोस्ट एक्सटर्नल सच एज पब्लिक ओपिनियन एंड अदर आउटसाइड फोर्सेस, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होता है जो एक्सटर्नल पब्लिक रिलेटेड और आउटसाइड फोर्सेस रिलेटेड डिसीजन सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, और मैनेजमेंट के होता है मोस्टली इंटरनल सक्सेस पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना। नंबर फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। यर दिस इज ह्यूमन, यर नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। यार मैनेजमेंट होता है एक्टिवली कंसर्न विद डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। तो फिफ्थ इसका जो बेसिस है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन एफर्ट्स डायरेक्टली कंसर्न नहीं होते, और मैनेजमेंट में जो भी मीन्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज और प्लान्स को, वो एक तरह से ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। नंबर सिक्स, मेन फंक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है यहाँ पर, मीन्स जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं पॉलिसीज मेकिंग करते हैं, और मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। नंबर सेवन, रिक्वायर्ड स्किल्स। तो यहाँ पर स्किल होता है कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल, और मैनेजमेंट में टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ यूजेस, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, और मैनेजमेंट का होता है एरिया ऑफ यूजेस प्राइवेट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर नाइन बेसिस देखते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। यार एंटरप्रेन्योर एंड ओनर, और मैनेजमेंट में होता है मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। तो इस तरह से ये बेसिस थे जिनके बेस पर हमने डिफरेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। तो एक बार फिर आप यहाँ पर पिक्चर के थ्रू या अपने नोट्स ले सकते हो।
इज फर्स्ट सेकंड बेसिस थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एंड नाइन. नेक्स्ट देखते हैं फिर से हम एक अदर डिफरेंसेस मीन्स सेम रिलेटेड और सम स्पेसिफिक डिफरेंसेस जो हमने यहाँ नोट्स के रूप में तैयार किए, आप इनसे भी लर्न कर सकते हो और आपको जो भी डिफरेंसेस अच्छे लगे आप उसको यूज कर सकते हो. फर्स्ट देखते हैं डिफरेंस एयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विद द मैटर ऑफ ब्रॉड पॉलिसीज मीन्स सेम अभी हमने जैसा पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न होता है पॉलिसी मेकिंग का और मैनेजमेंट डील विद एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज मीन्स जो भी पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है उसको मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करता है. तो ये था फर्स्ट हमारा डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस देखते हैं यार. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट यूज मैन एंड मटेरियल टू अटेन द गोल. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मैन एंड मटेरियल का यूज करता है टू अटेन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट मैनेजमेंट में देखते हैं इट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन है वो एक तरह से मैनेजरियल रोल में कंप्लीट होते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का. नंबर थर्ड देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट इज द फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन. मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से स्ट्रक्चर के रूप में होता है जिसको हम एनाटॉमी के रूप में देखते हैं और मैनेजमेंट और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से फिजियोलॉजिकल होता है मीन्स सारी एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी मैनेजमेंट के थ्रू होती है. तो एक तरह से इसका फंक्शनल रोल हो गया. तो मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन को हम एनाटॉमी के रूप में देखते हैं एंड मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के फिजियोलॉजी के रूप में हम देखते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो गया यहाँ पर. नंबर फोर्थ देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इट इज समथिंग मोर देन मैनेजमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से मैनेजमेंट का आर्ट है और ये मैनेजमेंट से कुछ बढ़कर होता है. मैनेजमेंट इज समथिंग लेस देन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के से थोड़ा नीचे होता है. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं इट इंक्लूड थिंकिंग इट इंक्लूड थिंकिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग मीन्स जैसा भी हमने पढ़ा था मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है और मैनेजमेंट पे इंक्लूड द ऑपरेटिव फंक्शन डूइंग द फंक्शन. मैनेजमेंट मीन्स जो भी प्लानिंग हुआ है उसको परफॉर्म करना उनको एक तरह से धरती पे लाना मीन्स उन पर वर्क करना. नेक्स्ट देखते हैं नंबर सिक्स डिफरेंस हियर. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बेस्ट प्लान एंड पॉलिसीज. ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स जो मेन रोल है मीन्स बेस्ट प्लान पॉलिसीज को तैयार करना जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं और जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन टू प्रैक्टिस मीन्स मैनेजमेंट का काम है मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी पॉलिसीज प्लान तैयार करे हैं उनको प्रैक्टिस में चालू करना. नेक्स्ट नंबर सेवन डिफरेंस देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बोथ आर सिनोनिमस. एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन आर एंटस्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर हेयर एंड द एग्जीक्यूशन फंक्शन आर एंटस्टेड टू द मिडिल लेवल मैनेजर एंड सुपरवाइजर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन है वो एक तरह से टॉप लेवल मैनेजर कंप्लीट करता है और जो
मैनेजमेंट की फंक्शन से उनको मिडिल और सुपरवाइजर लेवल एग्जीक्यूट करता, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 डिफरेंस, हियर इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द पीपल इन एसोसिएशन टू अचीव द गोल। एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से एक गाइडेंस देता है, प्लानिंग करता है, पॉलिसी देता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, और मैनेजमेंट इट इज़ कंसर्न विद दोज ऑपरेशंस लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द सक्सेस। और मैनेजमेंट का एक तरह से रोल है मीन्स जो भी प्लानिंग पॉलिसीज और ऑपरेशंस हुए हों, मीन्स ऑपरेशन प्लान हुए, उनको लीड करना, उन पर वर्क करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस थे जो हमने यहाँ पर अभी लर्न किए हैं। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और इसके अंदर हमने टू टाइप्स मीन्स एक दो तरह के डिफरेंसेस लर्न करें, मीन्स आपको जो भी अच्छा लगे उनको आप लर्न कर सकते हो। मीन्स दोनों डिफरेंसेस लगभग सेम है, और एक नोट्स के रूप में एक आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, और ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एक सिंपल बिल्कुल जो आपके समझ में आ सके इस तरह से नोट्स तैयार किए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यर ऑन नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। थैंक यू।